भाजपनो चूंटणी प्रचार पूर जोशमां शरू थई गयो छे। भावनगर 104 विधानसभाना उम्मेदवार सेजलबेन पंड्या पोताना चूंटणी प्रचार माटे शहेरना भरतनगर विस्तार सहित नजीकना विस्तारमां फर्या हता। तेमज सांजना समये गोगा सर्कल खाते कैबिनेट शिक्षण मंत्री अन्नपूर्णा देवी अने कृषि कैबिनेट मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमरे सभा संबोधी हती। शहेरना गोगा सर्कल विस्तारमां भाजप द्वारा एक जंगी जाहेर सभानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। भाजपना कैबिनेट शिक्षण मंत्री अन्नपूर्णा देवी अने कृषि कैबिनेट मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमरे 2014 पहेलाना भारतनी तुलनामां 2022ની ભારતની વાત કરી હતી। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નરેન્દ્રસિંહ તોમરે કહ્યું, ભાજપ એક વિચારધારાવાળી પાર્ટી છે। શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીનું સ્વપ્ન હતું કે કાશ્મીરમાં કલમ 370 નાબૂદ થાય। નરેન્દ્રભાઈ પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ કલમ 370ને નાબૂદ કરવામાં આવી હતી। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી વંશવાદવાળી પાર્ટી નથી। કેબિનેટ મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોરોના સમય આખું વિશ્વ લડી રહ્યું હતું, ત્યારે ભારતે પોતાની વેક્સિન બનાવની અને ભારત ઉપરાંત વિશ્વના 90 દેશોને આપી છે। આ સાથે પ્રધાનમંત્રી ગુજરાતના છે તેનો તમને ગર્વ હોવો જોઈએ। ત્યારે વિશ્વમાં ભારતની ગણના મુખ્ય 5 દેશોમાં થાય છે। આ બધું નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કારણે છે। પહેલાનો સમય હતો, આપણે વિશ્વ પાસે ભીખ માંગવી પડતી હતી, પરંતુ નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં વિશ્વ ભારતની સલાહ લે છે। સાથે સાથે તેમ પણ જણાવ્યું હતું કે તમે આપેલો એક વોટ ફક્ત 104 વિધાનસભાના ઉમેદવારને નહીં, પરંતુ 2024ની લોકસભામાં નરેન્દ્ર મોદીને જીત અપાવશે। नगर और भावनगर में अनेक कार्यक्रमों में गया हूं और आज दिन भर के कार्यक्रमों को देख रहा हूं, उसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता में जो समर्थन दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पिछले बार से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाने में सफल होगी। विकास और नरेंद्र मोदी, विकास और गुजरात, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में जो विकास का काम हुआ वो पूरे देश में नहीं दुनिया में सराहा जाता है। गुजरात मॉडल की चर्चा आज भी राज्यों की जब प्रतिस्पर्धा होती है उसमें होती है। नरेंद्र मोदी जी ने जहां एक ओर अधोसंरचना का विकास किया, वहीं दूसरी ओर गुजरात में आम लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया, 24/7 बिजली की उपलब्धता कराई, खेती के लिए सिंचाई उपलब्ध कराई, रोजगार के अवसर खड़े किए, निवेश को आमंत्रित किया और उसी का परिणाम है कि आज देश में हम देखेंगे तो गुजरात के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम देश भर में सबसे ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी जी आज केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए भी लगातार गुजरात की भी चिंता करते हैं और पूरे देश को भी आगे बढ़ाने का एक सफलतम प्रयत्न कर रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में भारत की साख दुनिया के राजनीतिक मंच पर खड़ी हो रही है। गांव गरीब को समुचित मदद मिले, इस बात की चिंता प्रधानमंत्री जी की है। चाहे वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे 9 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देने का मामला हो, चाहे 9 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का मामला हो, और चाहे कोविड के समय में 20 करोड़ 65 लाख बहनों को 30,000 करोड़ रुपया उनके खातों में जमा कराने का मामला हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आज तक किसानों के खाते में 2,16,000 करोड़ रुपया। सिद्धार्थ गोगारी साथे हिरेन बायाणी, लाइव 24 न्यूज़, भावनगर।